माय न्यू व्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं अपने मामा के घर और चाचू के घर को छोड़ के, एंड हमें बहुत याद आएगी सबकी, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। एंड ये मेरे मनोज दाई है, सबसे बड़े दाई। हम मम्मी वगैरह तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं अब, और अच्छा नहीं लग रहा इतने दिन यहाँ टाइम स्पेंड करके, अब इतनी जल्दी जा रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट से। बाय बॉय, बाय मम्मी का उतार पाएंगे, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, बाय दीदी, चाची जा रही है, सुजी ने उठा था। सो गाइस, दाई और चाचू हमें छोड़ने आए थे, जा रहे हैं। इतने आगे मामा बस ले रहे हैं, बस ले चुकी है। सो गाइस, हमें बस मिल चुकी है किया गाड़ी, और हम जा रहे हैं काल दोबार मामा के पास। किया गाड़ी नेपाल में, किया गाड़ी बोलते हैं ना। सो गाइस, हम पहुंचे हैं मैना पोखर पहुंचे हैं। अभी हम मामू के घर 11:30 बजे तक पहुंचेंगे, तो अभी हम सब बैठे हैं। हम पहुंच गए चीसा पानी के चेक पोस्ट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोलते कि थूकना मना है, कुछ भी फेंकना मना है। ये देखिए, ये आर्मी का। नेपाल के बबई गाइस, हम आ चुके हैं ढेरी गंगा, जहाँ मम्मी का जन्म स्थान था। देखिए, मेरी मम्मी का गांव। गाइस ये देखो, मेरे मामा तो पापा से बात करा देते ना। मेरी मम्मी के सबसे बड़े भाई है ये, तो हम इनको मिलने आए हैं इंडिया से, इनके बाद हम अपनी मासी को मिलने जाएंगे। सो गाइस, हम लोग आए मामा के पास, मामा ने हमें एप्पल दिया है खाने के लिए। मम्मी बैठे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम जाएंगे मासी के घर। मामा बोलो, ये है हमारे मामा। चाउमीन बन रहे हैं चूल्हे पे, मामा ने हमारे चाउमीन बनाए। मामा तपाईं कति सालको हुनुभयो? कति सालको हुनुभयो? म 61 वर्ष, 61 सालको जन्म हो। अच्छा, हमारे मामा बहुत बुढे हो गए। 1920। सो गाइस, मम्मी का जो माइका है वो यहाँ से जाता है नीचे को पहाड़। सो गाइस, लुक एट माय फेस, वी आर लुकिंग लाइक अ शॉपिंग गर्ल्स। सो गाइस, हम मामा से मिल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं झुंझू मासी के पास, देखते हैं मासी का रिएक्शन चेक कराएंगे। आप लाल तो जब वहाँ बैठे थे हम तो एक बस नहीं आई थी, अब बहुत सारी बस आ रही है, और हम तो बस नहीं आ रही और हम यहाँ खड़े हैं। Yeah, boy. Boy, you got that.
है क्योंकि यहाँ बहुत पहाड़े हैं। मासियां देखो, मासियां देखो, ये मेरी मासी है, ये इनकी सास है, ये मेरी माताश्री है, भाजू है। यहाँ पे चूल्हा लगाया था प्यारा सा, यहाँ पे खाना बनता है रात को। अंदर दूसरा किचन है, अलग किचन है, और यहाँ पे रोड है साथ ही।